अनंत वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अनंत वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तांबर क्लिनिक जो रोहिणी दिल्ली में स्थित है। अनंत वर्ल्ड में मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य पाने की कला सिखाई जाती है। आज हमारे साथ हैं चेन्नई से बधाई हुए श्री मदनलाल जी और उनकी पत्नी मंजू जी। वो कुछ अपने अनुभव भक्तावर के प्रति, भक्तावर की आस्था के प्रति बताना चाहेंगे। दीदी, मैं ये भाई एक बात आपको बताना चाहती हूँ। हमारे जो रिश्तेदार थे उनको 40 की एज में ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उन्हें ऐसे लग रहा था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। और फिर उन्होंने उनकी गांठ निकाली ऑपरेशन करके, तो उनको फिर कैंसर की गांठ निकली थी। और दो तीन चार पाँच महीने हो गए, वो एकदम अभी बिल्कुल ठीक है और एकदम स्वस्थ है। दवाई उनकी चालू है, फिर भी वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और तीन बहुएँ हमारे फैमिली में, तीन बहुओं को प्रेगनेंसी हो गई 8-8 साल पे, दोनों को 8 साल पे और एक को 3-4 महीने में ही हो गया था। और एक लड़का लड़की ऐसे हुआ और वो भी आए, बहुत खुश है। ये चार एक्सपीरियंस हमारे अपने आंखों के सामने देखे हुए हैं। मंजू जी, क्या किया आपने, कैसे बताया उनको? जो कैंसर वाले थे उनके लिए आपने क्या बताया? कैंसर वाले थे, उन्होंने उनको यही 35वीं गाथा है, वो उद्भिद जलोदर बार घूमना सोचा दशा मुक्ता सत्यु जीवित आशा, ये करने को कहा था मंत्र, जो जाप मंत्र और सब किया, तो उन्होंने शुरू ही रखा है और आज भी वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। ऑपरेशन के पहले ये उन्होंने कहा था, ये श्लोक बोलना शुरू किया था और हमने उनसे कहा था कि देखो दवा तो आप ले ही रहे हो, ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन दवा के साथ दुआ होगी तो और ज्यादा अच्छा काम करेगी। बहुत अच्छी बात है। और ये कह के हमने उनसे कहा कि आप जरूर कीजिए। और उन्होंने उनको तो बीमार थे हॉस्पिटल में, लेकिन उनके मदर ने एवरीडे मॉर्निंग सुबह उठ के जिस तरह से आप प्रोसीजर से करना चाहिए उस हिसाब से सुबह उठ के भगवान के तस्वीर के सामने पानी रख के इस श्लोक का उन्होंने जाप किया मंत्र और रिद्धि के साथ में, और वो पानी वो ले जाके हॉस्पिटल में उनको पेशेंट को पिला जाते थे। और इस तरह से मुझे अगर डॉक्टर ने तो ये कहा था कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह ही जाता है, क्योंकि ब्रेन का ट्यूमर होता है, ब्रेन को टच करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह जाती है 90% केसेस में, लेकिन इनका केस ऐसा था 10% जो केस था बचने के चांस, जैसे वो 100% बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे आंखों के सामने हुआ है अभी तीन